वेलकम गाइस, कैसे हो? भाई खूब, आप अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से एक बार आ गया हूँ विनायक ऑटो केयर में, जहाँ आपको मिलती है अच्छी प्राइस में अच्छी कार की डेंटिंग और पेंटिंग। तो चलिए फिर मिलते हैं मिश्रा जी से। तो धनराज मिश्रा जी, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। सो बहुत दिन बाद आज हम आए हैं, क्योंकि आपने एक अच्छी अच्छी कार लेकर आज दिखाने वाले हो कि क्या काम आज कर रहे हो, लाइक डेंटिंग पेंटिंग से रिलेटेड भी है और मैकेनिकल भी कुछ है। बहुत सारी ऐसी जानकारी है कि जो कि कस्टमर्स फोन करके कहते हैं, हम लोग ऑब्वियसली सर जितनी जानकारी होगी हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ शेयर करें, जिससे कस्टमर जाने और उनको आगे जाके गाड़ी खरीदने में या कोई भी काम कराने में कोई प्रॉब्लम ना हो, डिटेल्स उनके पास रहे। बिल्कुल, क्योंकि आज के मार्केट में जो डीलर कार देते हैं, तो डीलर जब हम कोई कार को खरीदने जाते हैं तो वो बेसिकली से मैकेनिक को लेकर जाएंगे, तो मैकेनिक जब चेक करते हैं तो मतलब क्या क्या चीज़, कुछ आइडियाज थोड़ी सी, उतना तो डिटेल नहीं जाएंगे, आइडियाज थोड़ी सी चाहेंगे कि आप दे दो। ऑब्वियसली सर, हम उनको अगर होगा तो उनको कन्फर्म डिटेल्स देंगे, उनको बताएंगे कि आप गाड़ी अगर जो है आप किस तरीके से लें जी, गाड़ी को मेंटेन कैसे करें, या गाड़ी क्योंकि बहुत सारे कैटेगरी में आती है। अभी आप होंडा की गाड़ी लेने जाओ तो अलग कैटेगरी है, मारुति की गाड़ी लेने जाओ अलग कैटेगरी है, फोक्सवैगन में जाइए, फोर्ड में आइए, तो अलग अलग कैटेगरी है। ये फोर्ड एस्पायर है, इसमें क्या काम था? इसमें सर ये काम तो करवाते गए हैं, बट हमारे जो हमारे कस्टमर हैं बड़े जेन्युइन, वो तुमलुक से आए हैं। तुमलुक से आए हैं और उन्होंने मतलब छोटे मतलब पॉलिश करवाया, 3-4 बार आए हैं छोटा छोटा चीज़ के लिए। हमने सेम डे गाड़ी ली, सेम डे गाड़ी काम करके रात तक रुके हैं सर, इतने धूप में भी रुक करके काम करवाया है और काम करवा करके रात में ही मैंने तो रिटर्न कर। एकदम सही बात है। तो सर हमारे आए हैं, नमस्कार सर, आपके सब्सक्राइबर भी हैं। तो कहाँ पे देखा था ये चीज़? मैंने बांग्ला बोलते हैं, बोले हम ही प्रथम अपना ब्लॉग देखे छिलाम, अपना ब्लॉग হচ্ছে ফার্স্ট হচ্ছে মিশ্রাজির এই বিনায়ক অটো কেয়ার দেখি, তা আমি প্রায় দেখতাম, আমার ভালো লাগতো। তারপরে আমি আমার নিজের গাড়িতে টুকটাক ডেন্ট হয়ে যায় এবং স্ক্র্যাচ হয়ে যায়, তারপরে আমি আসি। এসে মিশ্রাজি আমাকে একদিনে গাড়ি দেবেন বলেন, আমি সকাল ওই 11টার দিকে ঢুকি, গাড়ি আমাকে সন্ধে 6:30-6:30 মধ্যে গাড়ি আমাকে ডেলিভারি করে দেন, এবং কাজ হচ্ছে খুবই পারফেক্ট আর রঙের ম্যাচিংও খুবই সুন্দর, মানে একবারে দারুণ ম্যাচিং হয়েছে। আর যে প্রাইসটা শোরুমে যে প্রাইসটা হয় তার 1/3 রকম। আচ্ছা, এই জন্য আমি আবার এসেছি, গাড়িটা সব কিছু হয়ে গেছিলো কিন্তু গাড়িটার পালিশ হয়নি, আজকে পলিশ করাবার জন্য আমি এসেছি আর কি। यहाँ पे हम आपको मैकेनिकल का कुछ बहुत सारा केसेस आया है जो हम आपको बताएंगे, एक्सीडेंटल केसेस भी आए हैं जो कि कस्टमर्स के लिए बहुत ज़्यादा मेजर है मगर हमारे लिए माइनर है, जिसमें आफ्टर मार्केट के भी कुछ पार्ट्स हम लगाएंगे कस्टमर के बजट्स को देखते हुए जी। और आप देख पाएंगे बहुत सारे डेंट पेंट के लिए आजकल आपके बहुत सारे वीडियोस देखता हूँ मैं, तो उसमें क्या है सर कि बहुत सारे लोग पेंट्स की जानकारी देते हैं, जानकारी अभी तो ऐसा लगता है कभी कभी जैसे हमारे पास जानकारी कम है। तो आज जैसे ऑल्टो मैंने देखा, मैं काम हो रहा था, एक मर्सिडीज में काम हो रहा था और एक अमेज वगैरह का काम था, चलिए एक बार देखते हैं वो सब भी काम को क्या काम है उसमें। ये ऑल्टो में क्या काम? ये ऑल्टो K10 है सर, मारुति ऑल्टो K10। ये गाड़ी अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ये महीने में 2 बार आ चुकी है जी। इस महीने के 2 बार में आ चुकी है, दो बार जनवरी के लास्ट में एक बार आई है। आप हमारे यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं, उसमें भी एक माइनर एक्सीडेंट था, यही बोनट था बट हमने बोनट रिपेयर कर दिया था। और इस बार ये फिर से आई है हमारे पास, पिछले दो बार एक्सीडेंट हुआ, एक बार खुद उनके हाथ से और एक बार उन्होंने बताया उनके सिस्टर के हाथ से। अच्छा अच्छा, तो ये गाड़ी हमारे पास आई, वो काफी ज्यादा पैनिक इसके लिए भी थे, बहुत परेशान थे, हमने कहा कि जितना भी होगा आपके पॉकेट को ध्यान रखते हुए हम करेंगे। आप देख पा रहे हैं इसका रेडिएटर कंडेंसर जो हमने खोल दिया है, ये गाड़ी हमारे पास फुल्ली पेंट हुआ था, आप वो हमारे वो चैनल में देख सकते हैं, आप एक बार दिखाइएगा कस्टमर को जरूर। ये जो चीज है ये देखिए, इंजन बिल्कुल ठीक है, ठीक है,
ये सामने का है जो मार्शल है और ये नीचे का जो बीम है ये आप बीम देख रहे हैं, हम लोग बिल्कुल इसको चेंज करना पड़ेगा जी, बोनेट चेंज करना पड़ेगा, फेंडर चेंज करना पड़ेगा। ये रिपेयर नहीं हो सकता? रिपेयर सर करने में जान इसका जितना MGP में मारुति जेन्युइन पार्ट्स में जितना दाम है उतना रिपेयर करने में उससे ज्यादा खर्च लग जाएगा। जी जी, तो इससे बढ़िया हम क्या करेंगे, हम आफ्टर मार्केट जो है ये चीज लाएंगे, जो पाउच वगैरह जो होते हैं इसको पाउच कहते हैं, सर एक पाउच जो है ये मिलेंगे नहीं, मिलेगा ये पूरा, अगर हम पुट्टी से अगर इसको हम पूरा फिलअप करेंगे तो पूरा ड्रम बन जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे क्या होगा सर, वो चीज है इत्तेफाक से सर का 2-3 हज़ार रुपए और बच गया क्योंकि इनका ग्लास नहीं टूटा भाई, सही बात। गाड़ी हमारे पास बहुत दिन से है उनके, देखिए आपको यहाँ का फेंडर देख सकते हैं, ये फेंडर भी हमने निकाल दिया, ये फेंडर भी मतलब ये भी आफ्टर मार्केट हम, हाँ ये यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, ये जो लाइन देख रहे हैं ये पाइप पे लगी थी, पाइप में। अच्छा, और ये रेडिएटर कंडेंसर देख रहे हैं आप, ये देखिए यहाँ पे पूरा हो गया एसी का। ये कहाँ का गाड़ी है? ये गाड़ी आपका वर्धमान का गाड़ी। तो कैसे आया गाड़ी वहाँ से, टो करके? ये वहाँ से टो करके मॉर्निंग में मेरे पास 5:30 बजे आया। जी जी, उन्होंने मेरे को कहा, मैंने उनको कहा था कि हाँ मैं आपको सर्विस दूंगा, 5:30 बजे मैंने गाड़ी उनसे रिसीव किया। तो ये हम बोनेट चेंज करेंगे, ये फेंडर चेंज करेंगे, गाड़ी में कुछ मैकेनिकल भी डिफेक्ट है, जैसे कि आपने लास्ट टाइम में ऑडी गाड़ी देखा था, मैंने आपको दिखाया था चक्का कैसे टेढ़ा हो गया था, ये भी टेढ़ा आरंभ जो है ये भी टेढ़ा हो गया है यहाँ पे, तो इसको हम करके चेंज करेंगे। और मतलब इतना फेंडर से लेकर ये इंजन का काम है, ये भी अब हुड भी चेंज कर दोगे? बिल्कुल, ये और कुछ काम नहीं है, ये हम चेंज करेंगे और गाड़ी का ये जो यहाँ तक पार्ट है मतलब फिर से आप पॉलिश पेंट करोगे? तो मतलब MGP में सर देखिए मारुति जेन्युइन पार्ट्स MGP में बोनेट का दाम 3,000 रुपये आता है, फेंडर का दाम 1,500 रुपये आता है, बम्पर उन्होंने मैं बम्पर उनको सजेस्ट किया कि सर आप बम्पर नया लगाओ, क्योंकि गाड़ी में जब भी कहीं लगता है या तो सामने के बम्पर में लगता है या तो पीछे के बम्पर। हेडलाइट बम्पर और उसके ग्रिल को छोड़ के बाकी सारा पार्ट्स हम आफ्टर मार्केट लगा रहे हैं, मतलब पुराना सेकेंड हैंड लगा रहे हैं। सही बात है, हम उसको लगाएंगे और उसको करके गाड़ी को हम रिपेयर करके। अच्छा, ये ऑल्टोकेट है? ऑल्टोकेट है, तो इसका मिल्की वाइट, तो इसका थोड़ा मोड़ा आइडिया बता दो कि इतना कुछ का मतलब प्राइसिंग को लेकर, क्योंकि बहुत लोग कमेंट करते हैं राजीव सब तो बता दो, थोड़ा मोड़ा आइडिया दे दो, मतलब एक्चुअल में मत बताओ बट आइडिया तो चाहिए। सर देखिए, और दूसरे जगह अगर जाएगा तो मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि इतने में भी कम से कम खर्चा 20,000 से ऊपर का ही है। 20,000 से ऊपर मैं आपको जेन्युइन खर्च बता रहा हूँ। हाँ, प्रॉफिट तो लोग कस्टमर को देख के करते हैं, कस्टमर सूट पैंट टाइम है तो ज्यादा लूटते हैं, नॉर्मल है तो कम लूटते हैं, मगर मैं आपको इतने कहूंगा, अभी आपने एक कस्टमर का हमारे रिव्यू देखा भी था, कम से कम है मगर मैं उससे भी कम है। और जो कि गाड़ी मेरे पास फुल बॉडी पेंट ऑलरेडी हो चुकी थी, इसलिए मैं उनको कहा कि सर जो भी होगा मैं आपका 3-4 हज़ार रुपये और ज्यादा बचाऊंगा। अगर वो बैठे देख रहे हैं तो जानते भी हैं मैं ऐसा करूंगा। एकदम सही बात, ये है सर। तो अब इसके बाद आप आ सकते हैं सर, अमेज देखिए गाड़ी हमारी फुल्ली पेंट हो चुकी है, ये हमने फुल्ली पेंट कर दी है, ठीक है, ये मैट हुआ है, मैट ब्लैक मैट हुआ है, उसको रब इन किया गया, मैटिंग किया गया, वो देख रहे हैं ऊपर वो मैट हो रहा है, मैट हो रहा है वो। ये मैट होने की वजह से क्या होता है सर, एक गाड़ी में और ग्लॉस है, जैसे एक कस्टमर आए थे उनका गाड़ी पहले रंग करके हमने दिया था वो रेड वाला, मगर उसमें क्या एक खसखसापन रहता है। अच्छा, तो ये जब प्लेन हो जाता है तो उसके बाद मैटिंग करने में मतलब पॉलिश बफिंग करने में आसान रहता है। अच्छा अच्छा, तो उसके बाद जो एक करने के बाद एक बबल होता है ना, वो चीज क्यों होता है? वो सर जो आप बोले वो ऑरेंज पेल बोला जाता है उसको। अच्छा, ऑरेंज पेल क्या होता है सर, आप नॉर्मल बॉडीज में जब आप जूम करके दिखाएंगे तो ऐसे ऐसे करके जिगजैग टाइप का एक दाग जैसा होता है, वो ऑरेंज पेल होता है, वो पेंट करने के दौरान वो होता है, वो किसी डस्ट या उसकी वजह से नहीं होता। अगर गाड़ी में वो पेंट करने के दौरान सही मात्रा में देखिए लैकर हार्डनर क्लींजर इन सब का इस्तेमाल होता है, अगर लैकर हार्डनर जो है अगर हमने सही मतलब कि एक सही उसमें डाला है, एक सही मात्रा में अगर डाला है हमने, सही उसका रेशियो में डाला है तो वो कभी नहीं आएगा। एकदम सही बात है, तो मतलब उसको जो पेंट भी होता है तो उसको एकदम नाप तोल के एकदम क्या होना चाहिए सर, जैसे हमको मालूम है गाड़ी का आप देख रहे हैं इतना बड़ा एक सेडान कार है, हां सेडान, एक SUV कार है, एक हैचबैक कार है, हां SUV कार है, एक हैचबैक कार है, तो सर गाड़ी के साइज को देख करके पेंटर पूरी तरीके से जांचता है कि हमको गाड़ी के कितना रंग का यूज करना है। अगर हमको ये बात मालूम नहीं है, अगर इसमें अगर सर 500 ग्राम रंग की जरूरत है तो हम 5 लीटर रंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते, या तो वो बेवकूफ बन रहे हैं और या तो पेंटर को जानकारी नहीं है। सही बात है, क्योंकि आप जानते हैं सर ज्यादा चीनी भी गलत है, कम चीनी भी थोड़ा सा गलत है, वो
उसमें टेस्ट नहीं आएगा, उसमें आपके सेहत को खराब। सही बात है। तो मतलब तो ये इसमें सर हम लोग को मालूम है तकरीबन एक लीटर आपका रंग जो है हम लोग यूज करते हैं, मतलब इसमें ज्यादा कम नहीं, एकदम बराबर है। एकदम बराबर आपका लैकर का भी यूज होता है, हार्डनर का यूज इसलिए होता है, हार्डनर ये होता है कि जल्दी से क्विक ड्राई हो जाए, तो सैंडिंग करने में आसानी होगा। आपको याद होगा पहले जब गाड़ी पेंट हुआ करती थी तो 3 से 4 दिन 5 दिन लगता था सूखने में। आज के डेट में ऐसा ऐसा केमिकल आ चुका है कि हम लोग क्या है कि एक दिन के अंदर पेंट करते हैं और अगले दिन हम लोग उसको पॉलिश के लिए बफिंग के लिए रेडी। क्या बात है। ये हो गया सर। तो इसके बाद ये ऑल्टो में भी कुछ काम है। ऑल्टो में सर ऑल्टो क्या है कि ऑल्टो में अभी डेंटिंग का काम चल रहा है। अच्छा, आप जानते हैं डेंटिंग के बाद हमारे यहाँ पुट्टी होता है, पुट्टी के बाद ऐसे करके पेंट होता है। एक गाड़ी और है आप देख सकते हैं, प्रीमियम कार है ये। प्रीमियम है ये मर्सिडीज एमैटिक 4Matic है, 400 है। अच्छा, ये गाड़ी है सर जैसा कि हम पहले ही बताते कि हम हमेशा हर गाड़ी नेकेट करके पेंट करते हैं। जी जी। तो आप देख पा रहे हैं सर इसका हैंडल का एलेंकी वगैरह सब हमने सब इसको खोल दिया है। हाँ। यहाँ पे पेंट कर रहे हैं। जी जी, पेंट है। मंजर भाई हैं वही उसको पेंट करते हैं, बड़े रिक्वेस्ट करते हैं। पेंटर मतलब आप पेंट तो कहीं से भी, मैं ये प्रीमियम गाड़ी है। हाँ। आप भी अगर प्रीमियम में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते तो प्लीज पेंट में भी कॉम्प्रोमाइज मत कराइए। अब जैसे देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था गाड़ी जब भी हम पेंट करते हैं नेकेट करते हैं, मतलब पूरी तरीके से गाड़ी को। एक्चुअल में कलर क्या है? ये आपका मेटालिक ग्रे है। इस कलर का नाम मेरे को एग्जैक्टली नाम नहीं मालूम है। ये प्रीमियम में करके मैं आपको ऐसे आपको बताऊंगा, आप नेट में देख सकते हैं एग्जैक्ट, क्योंकि मेरे को एग्जैक्ट नाम बताना पड़ेगा। बट ये ग्रे मेटालिक है, मेटालिक कलर तो होता ही है बट ग्रे में करके है। आप यहाँ पे आप देखिएगा यहाँ पे हमने सारी चीजें, इसके ग्रिल्स ऊपर नीचे के जो ग्रिल्स है मैंने खोल दिए, ये सारे हेडलाइट इसके खुले हुए हैं। ठीक है, ये पेंट हो गई है या फिर इससे इसको मैच करना है? इसको इसपे जब हम लैकर स्प्रे कर रहे हैं ना सर, तो यहाँ पे हमने हल्का सा कर लिया, देखिए यहाँ ग्लॉसीनेस है। अच्छा, क्या ये इसी हिसाब से करके यहाँ मिलेगा क्योंकि ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल और ये पेंट कर रहे हैं, ये पेंट कर रहे हैं, ये जब पेंट कर रहे तो ये इसके साथ मिलना चाहिए। जब भी आप कलर को देखते हैं सर तो क्या होता है कि ये जानकारी होती है, एक ही गाड़ी आपको 3 कलर में दिख, आपके घर में गाड़ी होगी तो आप देखिए आपके घर में आपको गाड़ी 3 तरीके से दिख, आप जब सामने से बोनट देखते हैं आपको फ्रंट फेस दिखता है, इसका कलर अलग दिखता है। अब यहाँ से खड़े होकर के अगर आप डोर को देखते हैं ना, तो ये एक शेड हो जाएगा, डोर को ऐसे शेड हो जाएगा, ये शेड कर आपको इससे ये डार्क दिखेगा। अच्छा, सही बात है। यहाँ पे आप देख यहाँ पे यहाँ देखिए लाइट दिख रहा है, यहाँ से खड़े होकर इसको देखिए डार्क दिखेगा। उसी तरीके से बोनेट के पास आप डिग्गी के पास भी खड़े रहिएगा तो आपको ऐसे ही दिखेगा, ऐसे ही दिखेगा। ये एंगल है। अच्छा, ये फ्रंट है। ये फ्रंट है। तो इसीलिए एंगल और फ्रंट को हम लोग जब भी हम रंग मैच करते हैं तो एंगल और फ्रंट को मैच करते हुए रंग करते हैं। जी जी। दोनों मुंह देखना होगा। हाँ। साइड से चेहरा अलग दिखता है, सामने से चेहरा अलग दिखता है। तो ये चेहरा है। अच्छा। सामने का और ये साइड का फेस। तो पेंटर जो भी होता है वो हमेशा इस चीज को देख करके करेगा कि एंगल और फ्रंट हमारा बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। जी जी, सही बात है। और मैं आपके सर जितने भी हमारे जो कस्टमर आपके जो व्यूअर है, कुछ बंगाली व्यूअर्स उन्होंने मेरे को कहा है, रिक्वेस्ट किया आपसे करके कि मैं उनको कुछ बंगाली में भी कहूँ, कभी कभी हिंदी समझने में बहुत दिक्कत होती है। जी जी। तो मैं आप अगर कहें तो बंगाली में भूल क्षमा करबें, जो आमा दिए जो आमा बांगला है जो कोनो भूल हो जाए। অনেক আমাদের কাস্টমার যিনি মুর্শিদাবাদ কাকদ্বীপ তারপরে গঙ্গাসাগর ওই দিক দিয়ে অনেক থেকে আসেন, দুর্গাপুর থেকে আসেন, তাহলে উনি কি করেন, উনি সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি কেনেন, তারপরে উনি আমাদের কাছে নিয়ে আসেন পেন্ট করতে। দেখুন দাদা, আমি বলি আপনাকে একটা জিনিস, আপনি আমাকে ফোনে জিজ্ঞেস করেন কি দাদা এটা কি মডেল আছে, এটা কি মডেল করা যাবে, আগে আপনি যদি গাড়ি কিনছেন আপনি জেনে নিন, আপনি হন্ডার গাড়ি কিনছেন তাহলে আপনি জেনে নিন ওটা SMT VMT EMT বা কি কি মডেল আছে, কেন কি আপনি যেই গাড়ি কিনছেন সেই গাড়ি হয়তো অ্যালয় লাগানো নেই। আচ্ছা, ওইটা বেস মডেলের গাড়ি আছে কিন্তু ও বাইরে দিয়ে অ্যালয় এনে আপনাকে কিনে লাগিয়ে দিচ্ছে, 10,000 টাকা খরচা করছে আর আপনার দিয়ে 50,000 টাকা বেশি নিয়ে নিচ্ছে। এবার মারুতি গাড়িতে অনেক জিনিস হয়, যেরকম ব্রেজা আমার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে, সুইফটের যা গাড়িগুলো হয় ওর মধ্যে LXi VXi ZXi হয় VDI X গুলো যেটা হয় সেটা পেট্রোল, আর ডি যেটা হয় তার মানে ডিজেল, এক্সটা বুঝতে যদি ভুল হয় তাহলে ওইটা পেট্রোল, ডি মানে তো আপনি বুঝেই যাবেন কি ডিজেল। তো এই দুটো ক্যাটাগরি হয় সুইফটের মধ্যে, আর ওর মধ্যে কি যেটা লো মডেল LDI মানে ডিজেল, LXi মানে পেট্রোল, ওর মধ্যে কি হয় আপনার হ্যান্ডেল আর লুকিং গ্লাস বডি কালার হয় না। তো দাদা প্লিজ ভেবে বুঝে গাড়িগুলো,
कुछ कुछ चीजें थैंक यू दादा, कोई बंगाली में गलती हुआ हो तो सॉरी। गाड़ी के देखे सर हमने सब खोल दिया, अब यहाँ पे क्या होता है सर? इस साइड, ये साइड देखिए पेंट हो गया पूरा, नेकेट करके हमने पेंट किया। आप पहली बार देख रहे हैं सर गाड़ी आपके सामने पेंट हुई है, दिखा सकते हैं सर पूरी गाड़ी पेंट हुई है जी, सही बात। ठीक है सर, अब यहाँ पे देखिए सर मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूँ। जैसे मानिए कि ये गाड़ी है, यहाँ पे गाड़ी है सर, यहाँ पे देखिए क्या है कि ये सील होती है। अच्छा, ये सील हम भी बनाते हैं जी, ये इधर में आप देख रहे हैं ये सील हम भी बनाते हैं ये वाले सील, बट कंपनी का किया हुआ सील और हमारा किया हुआ सील दोनों में बहुत फर्क है। अच्छा, बहुत फर्क है। बहुत सारे एक्सीडेंट कार जब आते हैं तो हमारे पास आते हैं करने के लिए कि आप ये सील हमको बना करके दे दो, करके दे दो, तो हम वो नहीं करते एकदम कंपनी का, क्योंकि गाड़ी सर एक बार जब नहीं खरीद के आती उसमें जो सामान मिलता है और जो हम बना के देते हैं दोनों में थोड़ा सा तो डिफरेंस रहेगा, बहुत ज्यादा फर्क है। कस्टमर क्या है कि वो नहीं समझ पाते, उनको गाड़ी देके पहले टूटा फूटा था आज बन गया तो उनको अच्छा लगता है, अच्छा लगता है भाई, तो क्या वो समझ नहीं पाते। जी जी सही बात है, मगर फर्क तो होता ही, कोई कुछ भी कर ले, अगर आप पेंट बूथ में भी कराएगा तो उसमें एक आध दो पिन होल आपको मिलेगा। एक और मिश्रा जी गाड़ी है ये तो पूरी एकदम बहुत बुरी तरीके से पहचानने में नहीं आ रही होगी सर, ये इको स्पोर्ट्स है। अच्छा, ये इको स्पोर्ट्स है, ये आपका ये गाड़ी टोटल लॉस में है, देख रहे हैं आप राइट साइड पूरी इसकी तो एयर बैग्स वगैरह सब खुल चुकी है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। आप विश्वास नहीं करेगा, हम इसको भी रिपेयर करेंगे, इसको भी करिएगा, इसको भी रिपेयर करेंगे, इसको रिपेयर करके ये हमारा मतलब पीछे साइड से भी एक बार हम देखते हैं इसको, ये लेफ्ट साइड से और आपका यहाँ से एकदम ये कहाँ पे पलट चुकी थी, पूरी गाड़ी पलट चुकी थी, ये हम लोग इसका ये सारा कुछ ये पार्ट्स यहाँ से पार्ट्स चेंज करेंगे, वो डोर शायद बच जाएगा, रूफ चेंज करेंगे और यहाँ से करके हम पूरा गाड़ी फिर से रेडी करेंगे, पूरा गाड़ी फिर से रेडी, जितने ग्लास है सब टूट चुके हैं, लेफ्ट साइड के राइट साइड के जो ग्लासेस है वो बचे हुए हैं, एयर बैग्स निकल चुके हैं, सही बात है, एयर बैग्स है, ये एयर बैग्स निकल चुके हैं, इसको तो इसको आप पूरा एकदम कंप्लीट करोगे तो ऑलमोस्ट क्या खर्चा वगैरह? ऑलमोस्ट सर देखिए कंपनी ने इसको 3.5 लाख रुपए इसका कॉस्ट दिया था कि इसको 3.5 लाख रुपए में करके करेंगे जी, बट हमारे पास लोग आते हैं कम खर्च के लिए, हम फिर भी कोशिश करेंगे इसको कम से कम। बहुत सारी चीजें सर एक्सीडेंट गाड़ी में मिसिंग रहती है, जैसे एयर बैग्स वगैरह रहते हैं, फोर्ड के जितने गाड़ी उसमें कोडिंग आप जानते होंगे, फोर्ड फिगो जो 2010-11 की जो गाड़ी होती है आप देखिएगा हमेशा उसके म्यूजिक सिस्टम के टैप में कोडिंग आ जाता है, कोडिंग आ जाता है, 4-0 दे करके कोडिंग आ जाता है, की लॉक दिखाता है, तो ये सारे इसमें प्रॉब्लम्स बहुत सारे होते हैं, तो उसमें हमारे ट्रिक्स हैं उसको हम लोग दूर करते हैं, बहुत सारे कस्टमर्स भी वो जानते हैं, जो जानते हैं वो देख के हंस रहे होंगे, जो नहीं जानते हैं उनको हम ट्रिक्स करके देते हैं जी जी सही है। और ये गाड़ी हम लोग पूरी ये सर एक्सीडेंट गाड़ी रेडी करने में किसी को तकलीफ नहीं होती, तकलीफ सिर्फ होती है लाइनअप करने में, लाइनअप गाड़ी जो ये देख रहे हैं लाइनअप, बोनट इससे अलग हो गया, ये अलग हो गया, पंडा अलग, उसको लाइनअप करने में सही बात है। तो इसका एक अमेज थी उसमें भी रस्टिंग वगैरह लगा हुआ था, वो रस्टिंग अभी हम शेड बना रहे हैं तो इस वजह से क्या है सर हमने बहुत सारी गाड़ियां बाहर भी रखा है, सही बात। ये हमारा महीनों भर का गाड़ी ऐसे करके रखा हुआ है, तो ये गाड़ी में रस्टिंग बहुत दिख रही है यहाँ पे, ये देखिए ये गाड़ी दिख ही नहीं रही है सर, सिर्फ रस्टिंग ही रस्टिंग है, ये रस्टिंग ही रस्टिंग। इसके पीछे अगर मैं आपको दिखाऊं तो भाई पीछे भी आप देख सकते हो, ये तो भाई पूरी चेंज करने पड़ेगी क्या रूफ? नहीं नहीं सर, हम रूफ नहीं चेंज करेंगे, इसके मटेरियल का होंडा के मटेरियल का जो चिप आता है इसको हम झलक वेल्डिंग करके पहले हम ऐसे लेवल में बनाएंगे। अच्छा, ये लेवल में इसका कांच को उतार देंगे, यहाँ लेवल में बनाएंगे, लेवल में बनाने के बाद हम पेंट करेंगे, पेंट करने के बाद जब कम्प्लीट है फिर उसके बाद कांच का पेस्टिंग करेंगे। ये आप यहाँ से भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी जूम करके दिखाई, यहाँ देखिए पूरा रस्टिंग हो गया, पूरा रस्टिंग हो गया, सही बात है। ये रूफ आप चेंज करिएगा सर, अगर आफ्टर मार्केट भी खरीदते हैं तो 3,500 रुपया खर्च है जी जी, बट हमारे यहाँ भी नहीं होगा क्योंकि इसका सीलिंग और रूफ सिर्फ लाने का बोल रहा हूँ, पेंट करने का सारा कॉस्ट वो अलग है, अलग हम एक चार्ज लेते हैं जो कि कस्टमर भी जानते हैं। ये देख रहे हैं यहाँ पे गार्निश भी लगता है, पूरा रस्टेड हो गया। अच्छा, पूरी गाड़ी रस्टेड हो गई है, अब देख रहे हैं यहाँ पे हर जगह पे, ये इसको कहते हैं सील जिसकी मैं बात कर रहा था, अभी ये हम बनाएंगे, तो यहाँ पे भी आप देख सक रहे हैं गाड़ी पूरा हमने नेकेट कर दिया, इसको हमने रेडी करने के लिए 10 दिन का समय लिया, 10 दिन का 10
10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा? हाँ, 10 दिन के अंदर अंदर हम कंप्लीट कर देंगे जी, क्योंकि हम 8 दिन में कंप्लीट करेंगे तब तो 10वें दिन दे पाएंगे। एकदम सही बात। तो हम उसको करें, अगर कस्टमर को भी बता दें, अगर मान लीजिए कहीं सामान मिलने में देरी होता तो हम उनको चौथे पाँचवें दिन नॉक कर देते हैं कि सर सामान नहीं मिल रहा है तो टाइम लगेगा। ये देख रहे हैं आप किया सेल्टोस, ये एक्सीडेंट गाड़ी है। ये सेल्टोस है? हाँ, किया सेल्टोस है। आप नीचे किया देख रहे हैं, ये अलॉयज में लिखा हुआ आप पहचान सकते हैं। ये गाड़ी हमारे पास, ये भी गाड़ी हमारे पास 2-3 महीने से है, क्योंकि आप देख रहे हैं इसका पार्ट सीजन मिलना बहुत बहुत मुश्किल है। तो हमारे पास रखा हुआ है मैकेनिकल का, गाड़ी बिल्कुल स्टार्टर है। अच्छा, बट ये गाड़ी को हम जल्द से जल्द रिपेयर करेंगे। यहाँ पे भी आप कुछ गाड़ियाँ देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो हमारे यहाँ टोटल लॉस की गाड़ियाँ, हम लोग उसको बहुत कम रेट में भी हम लोग उसको रेडी करते हैं। वो चाहे 2 दिन पहले आई गाड़ी क्यों ना हो, बस समय लगता है, टाइम लगता है, बस हम उसको रेडी करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपके पॉकेट में ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। अब अगर वो किया की बात है तो बात अलग है, बट फिर भी हम रेडी करें। ये होंडा सिटी, इसमें भी ठुक ठाक हो रहा है बहुत सारा। गाड़ी कहीं पे भी कम रहे ज्यादा रहे, होंडा सिटी हमेशा होंडा सिटी तो भाई रहता ही है, सबसे ज्यादा पसंदीदा गाड़ी है। जी जी, और काम भी इसी का ज्यादा आता है, ज्यादा इसका। ये हम लोग फुल बॉडी पेंट कर रहे हैं सर, ठीक है। ये भी एकदम बेस वेरिएंट की गाड़ी है, ठीक है। ये बेस वेरिएंट की गाड़ी है, ये इसको नॉर्मली आप ऐश मेटालिक कह सकते हैं, ग्रे मेटालिक कलर है जी। तो इसको, इस गाड़ी को भी अभी देखिए इसका काम। आपने पेंटिंग देखा, आप पॉलिश भी दिखाते हैं, मैकेनिकल वर्क, एक्सीडेंट भी दिखा रहे हैं, अभी दिखा रहे हैं आपका इसका पेंटिंग वर्क जो है। सही बात, माइनर में देख रहे हैं सर। आप ये जो आप पेंटिंग देख रहे हैं सर, ये जो हल्का का जो टोल होते हैं, टोल होता है, ये जो टोल, इसके लिए टेंट कूलर नहीं है, कुछ नहीं, इसको बिना फिटे ये लाइन अप नहीं होता जी जी। ये जब एक लेबलिंग में आ जाता है, उसके बाद हम लोग बॉडी फिलर से इसको रेडी करते हैं जी जी। यहाँ जहाँ बॉडी फिलर के बाद अपने यूट्यूब वीडियो में भी दिखाता हूँ, 1K प्राइमर के बाद डायरेक्ट पेंट के बाद लैकर हार्डनर और फिर पॉलिश। एकदम सही बात है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी आज के इस वीडियो को दिखाने के लिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए कलेक्शन के साथ, और आई होप कि ये भी रेडी हो जाएगा तब तक आपका। बिल्कुल सर, ये हमारा अभी आप देख रहे हैं स्टार्टअप देख रहे हैं, यहाँ पे फिर से हम एक नए शेड में और ज़्यादा गाड़ियों लाने की कोशिश कर रहे हैं जी जी। अब यहाँ पे हम कुछ दिन बाद आपको कैटेगरी दिखाएंगे, और हमारा जो पूरा जो एरिया है सीसीटीवी सर्विलेंस से एकदम पूरा लैस है। आपको हम ऐप दे सकते हैं, आप सीसीटीवी में अगर आप अपनी गाड़ी देखना चाहें तो देख सकते हैं, आप जगह जगह दिखा सकते हैं। हमारे पास कैमराज लगे हुए हैं, यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी आप कैमराज दिखा सकते हैं। सही बात है। यहाँ पे हमारे 20 कैमराज के वर्ब हैं, आप जब भी जहाँ का भी डायरेक्शन चाहेंगे आपको बिल्कुल आप देख सकते हैं। बहुत सही बात है। योर कार इज ऑन इन सीसीटीवी सर्विलेंस। एकदम सही है। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू।